फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको त्रिपुरा में अपील करना चाहता हूँ। मेरे त्रिपुरा ऑर्गेनाइजेशन के यूथ सेक्लर रॉक से सब गांव-गांव जा रहे हैं मोटरसाइकिल्स में सीएए के खिलाफ। ये हमारा कैसे खिलाफ है, हमारे त्रिपुरा सा, हमारे दोफा, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे पूरे इंडिया के लिए, हमारे संविधान के लिए कैसे हमारे लिए हानिकारक है, इसके लिए जाकर वो ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये वोट के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ जाकर हमें, हमारे लोगों को समझा रहे हैं गांव-गांव में कि ये बिल जो आज एक्ट हो चुका है हमारे लिए कितना डेंजरस है आने वाले दिन में। आज मैंने वीडियो भी देखा जहां में ऋषिकेतु, जो हमारे सिमना के एमएलए हैं, उन्होंने बांग्लादेश से जो इलीगली आ रहे थे उनको पकड़ा पुलिस के साथ। मैं ऋषिकेतु को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आपने ये जो एक्ट पास किया है, त्रिपुरा से लोग रोज आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, हमारा सीमा भी खुला है, आप सीमा को बंद कीजिए, बहुत इश्यूज हैं। और आप दिल्ली में बैठकर आपने ये कानून पास किया है, आपने हमारे बारे एकदम नहीं सोचा, हमारे त्रिपुरा सा के बारे नहीं सोचा, हमारे त्रिपुरा के बंगाली के बारे नहीं सोचा, हमारे मणिपुरी, हमारे चाकमा मौक के बारे नहीं सोचा है आपने। और आपने ये बिल, वो एक्ट बनाकर हमारे ऊपर अन्याय किया है। और आपने जिस राज्य ने पहले से लाख लाख लोगों को रखा है, आपने हमें कहा है कि फिर से रखो, और जिस राज्य ने एक को भी नहीं रखा आपने उनको फिर से एग्जेम्प्ट किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने किस आधार में उनको एग्जेम्प्ट किया और हमें कहा कि फिर से रखो। दूसरा बात है कि आज आम आदमी पार्टी का जीत हुआ है दिल्ली में, इससे एक क्लियर मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान में धर्म भाषा के आधार में कोई राजनीति करेगा तो पब्लिक उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली का आज जो रिजल्ट है इसमें दोनों नेशनल पार्टीज़ को हार, करारा हार मिला है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने कहा है कि हमको पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको नेशनल इश्यूज़ में इंटरेस्ट इतना नहीं है, ये दिल्ली का इलेक्शन लोकल है, आप लोकल इश्यूज़ में, डेवलपमेंट में, हमारे इंटरेस्ट में जो है उसके लिए आप काम कीजिए। ये सब बात करने से शहीन बाग हो, जामिया हो, पाकिस्तान हो, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप हमें बताइए आप हमारे लिए क्या करेंगे, आपको हमने वोट किया है, आप हमारे बारे बात कीजिए, ना कि पाकिस्तान के बारे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि नेशनल पार्टीज, दोनों नेशनल पार्टीज को दिल्ली में एक चाटा मिला है, वो भी एक छोटे से पार्टी से। इसका ये मतलब है कि हिंदुस्तान का जो पब्लिक है वो रेडी हो चुका है दोनों नेशनल पार्टीज़ को कहने के लिए कि अगर आप हमारे लिए बात नहीं करेंगे तो हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है। ये यूथ के लिए, हमारे जो यूथ हैं इनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है और एक लेसन है कि आप अपना जो कीमती समय है पॉजिटिव बात के लिए कीजिए, ना कि कोई दिल्ली बेस्ड पार्टी के पीछे इधर उधर भागिए। ये मेरा, मैं अरविंद केजरीवाल को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और ये जो जीत हुई है ये हम सब के लिए, हम सब के लिए एक सबक है कि जनता अब समझ चुकी है कि ये पुराने पॉलिटिशियंस और ये पुराने नारे जो लगता है उससे अब ये देश नहीं चलेगा। बेलाइनो हम बाय, धन्यवाद, खुलुंका और काम।